थाने वाली क्रूरता के बाद अब बात करते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। विशेष तौर पर देश भर के डॉक्टर्स आक्रोशित और आंदोलित हैं। कोलकाता से दिल्ली तक लोगों में गुस्सा है। आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। कई प्रदर्शनकारियों को हाथ पकड़कर पुलिस को ले जाना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर अब दिल्ली से है, जहां छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पोस्टर के साथ नारेबाजी की, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। कोलकाता की क्रूरता को गंभीरता से लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले की न सिर्फ सुनवाई की, बल्कि बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस, आरजीकर अस्पताल प्रशासन, हर किसी से नुकीले सवाल पूछे। कड़ी टिप्पणी के साथ साथ हर किसी को फटकार भी लगाई और उनको एहसास दिलाया कि ये मामला कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। ममता सरकार की ओर से कपिल सिप्पल वकील थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे। सुबह करीब 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने वारदात पर मार्मिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 9 अगस्त की क्रूरता ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ये केस भयानक है, आरोपी जानवर था। इसके बाद उन्होंने बंगाल पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठाए, कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के शव को सौंपने के 3 घंटे के बाद FIR क्यों दर्ज की गई, FIR में हत्या की बात स्पष्ट क्यों नहीं थी, क्राइम सीन संरक्षित क्यों नहीं किया गया, हजारों लोग अस्पताल में घुसे तब पुलिस कहां थी। इसके बाद बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने चुभने वाले सवाल किए, पूछा कि अस्पताल में इतनी बड़ी वारदात के बाद भी सरकार तोड़फोड़ और हिंसा क्यों नहीं रोक पाई, डॉक्टरों पर सख्ती क्यों की गई, अस्पताल में सुरक्षा मानक पर्याप्त क्यों नहीं थे, इमरजेंसी वार्ड में हमेशा हिंसा का डर क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन को भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता पिता को शव क्यों नहीं दिया गया, जब ये मर्डर था तो पहले सुसाइड क्यों बताया गया, प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश आखिर क्यों की। डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता की और कहा कि फैसला लेते हैं। CJI ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा राष्ट्रहित का मुद्दा है, बदलाव के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। CBI को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। यह भी कहा कि जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसलिए डायरेक्टर रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील भी की। CJI ने कहा कि टास्क फोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी। इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो काफी देर तक दलीलें दी गईं, सुनवाई चली, लेकिन सबसे मारक सुप्रीम कोर्ट के वो सवाल थे जो ममता सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से पूछे गए, और कपिल सिब्बल का जवाब भी काफी दिलचस्प रहा। सुनवाई की शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या FIR में कहा गया है कि यह हत्या थी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि प्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया, जो कि FIR में है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि देर रात तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं हुई थी। कपिल सिब्बल ने इस सवाल पर कहा कि यह सही नहीं है, 50 FIR दर्ज की गई है। CJI ने यह भी पूछा कि आरजीकर अस्पताल में घटना के अगले दिन डॉक्टर विरोध कर रहे थे और भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया, कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है सब सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि आप प्रिंसिपल के साथ क्या करना चाहते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायालय जो भी करना चाहेगा वो किया जाएगा। सुनवाई के दौरान CJI का गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल, ये बहुत गंभीर मामला है, पश्चिम बंगाल सरकार इतनी बेखबर कैसे हो सकती है, महिला डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई और पुलिस वहां से भाग गई। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि अस्पताल के बाहर 150 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जब 7000 से ज्यादा लोगों ने वहां हमला किया तो फोर्स की जरूरत थी, और जब तक और फोर्स मिलती त
तब तक घटना हो चुकी थी। इसी तरह कई सवाल हैं जो पुलिस और बंगाल सरकार पर उठ रहे हैं। माता पिता को बेटी का शव नहीं देखने दिया गया, हड़बड़ी में शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इंसाफ की बात करने वाले लोगों को नोटिस क्यों भेजे गए, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस के बहाने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई और नए फैसले भी लिए। आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे कोलकाता मामले पर राजनीतिक टकराव भी खूब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला जो क्वेरी थी वो ये थी कि एफआईआर कितने समय पर लॉज हुई और उसमें डिले रहा है एफआईआर में, तो स्टेट द्वारा अपना पक्ष रखा गया। नेशनल टास्क फोर्स इन पे विचार करेगी, एक प्रोटोकॉल बनेगा टू प्रिवेंट एनी अदर थ्रेट जो आज हुआ है, इस टाइम हुआ है। दे कैन नॉट वेट फॉर द सेम थिंग कि फिर से ऐसा कुछ हो। आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट एटा किंतु सारा देशेर क्षेत्रे जे व्यवस्थापनार कथा बोलेछे, जे पदक्षेपेर कथा बोलेछे, आमरा ताके स्वागत जानाच्छि। सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। How such a crime could take place? और अब बात करते हैं सीजीआई के उस आदेश की जो डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज डॉक्टरों की सुरक्षा पर टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेंगे। वहीं आज आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ के बाद हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।